मैं हूँ आपका दोस्त सर होस्ट यादव और आप देख रहे हैं टेक सपोर्ट चैनल का। टॉपिक आपने थंबनेल टाइटल में देखा जी, आपने सही गेस किया। अच्छा टॉपिक है हाउ टू यूज पेटीएम पोस्ट पेड मनी टू वॉलेट, मतलब पेटीएम पोस्ट पेड का जो पैसा है उसको हम लोग वॉलेट में कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, राइट। तो इसके लिए क्या क्या तरीके हैं, क्या ये पॉसिबल है नहीं है, कैसे क्या करना है, सारी चीज़ समझेंगे इस वीडियो में। बस ध्यान रखना जो वीडियो बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करना तो आपका प्रॉब्लम का सलूशन शायद मिल जाए। क्लियर, तो ज़्यादा बकवास नहीं करते हैं, टॉपिक को देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग पेटीएम को ओपन करेंगे। हो सकता है पेटीएम का जो मैं स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसमें कहीं कहीं आपको ब्लैक स्क्रीन दिखाई दे, इसका मतलब ये है कि सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए ब्लैक किया गया है। ये मैं नहीं करता हूँ, ये ऑटोमेटिकली पेटीएम की तरफ से ब्लैक हो जाता है, ठीक है। तो आप लोग बुरा मत मानिएगा क्योंकि क्या करें, मेरे हाथ में नहीं होता है, ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं। तो सबसे पहले आप अगर चाहते हैं कि पेटीएम पोस्टपेड का जो पैसा है वो आप अपने वॉलेट में ट्रांसफ़र करें, तो सबसे पहले इसको करने के लिए मैं आपको करके दिखाना चाहूँगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि पेटीएम पोस्टपेड का मैं बैलेंस दिखा दूँगा प्लस पेटीएम वॉलेट का भी बैलेंस दिखा दूँगा, उसके बाद जो काम करूँगा वो लाइव आपके सामने करूँगा ताकि वो फेक ना लगे, एकदम रियल लगे आप लोग का सामने होगा। तो सबसे पहले स्टेप ये होगा कि मैं आपको पेटीएम पोस्टपेड का जो मेरा बैलेंस है मैं आपको दिखा दूँगा। क्लियर, अगर आपका साउंड क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम हो तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं छत पे वीडियो बना रहा हूँ। अब बहुत तेज़ हवा भी चल रहा है, ठंड का मौसम भी है, तो आप लोगों के लिए बनाना पड़ रहा है। घर में थोड़ा सा दिक्कत है तो मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ ऊपर में ठंड में, उसके लिए एक लाइक बनता है, ठीक है। तो सबसे पहले पेटीएम पोस्ट पे जो लिखा है यहाँ पे, देखिए पेटीएम लोन लिखा है, उसमें क्लिक करेंगे तो इसमें जो मेरा बैलेंस है वो मैं आपको क्लिक करके दिखाता हूँ कि मेरा में कितना बैलेंस है, और जितना बैलेंस होगा उसको मैं पूरा ट्रांसफ़र करूँगा, किसमें, वॉलेट में ट्रांसफ़र करूँगा। आपके सामने लाइव करके दिखाऊँगा कैसे क्या करना है, सावधानी समझते हैं। नेटवर्क जैसा होगा स्पीड उस हिसाब से काम करेगा। देखिए यहाँ पर आ गया है और ऊपर में 12,000 रुपया हेडिंग दिखा रहा है। देखिए अलग अलग लोगों के अलग अलग पेटीएम पोस्ट पेड अकाउंट में अलग अलग अमाउंट होता है। मेरे पास 12,000 इसलिए है कि मैं पुराना पेटीएम यूजर हूँ, तो मुझे 12,000 का लोन दिया गया है, एक महीना बाद मुझे चुकाना पड़ता है। मतलब अगर इसमें खर्च कर दूं तो एक महीना बाद चुकाना पड़ेगा, प्लस इसमें 3% का एक्स्ट्रा चार्ज भी लगता है जिसको कन्वीनियंस चार्ज बोला जाता है, ठीक है। तो आप लोग अगर इसको यूज करते हैं तो सावधानी से यूज करिएगा, क्योंकि जितना आप खर्च करेंगे इसमें से उतना का उतना तो देना ही है एक महीना बाद 7 तारीख के भीतर, और उसमें 3% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। क्लियर, किसी किसी को 2% भी लगता है लेकिन 3% एवरेज मान के चलिए। तो ये मेरा पोस्टपेड अकाउंट का जो लोन बैलेंस है ये इतना है। अब इसी अमाउंट 12,000 को मैं वॉलेट में ट्रांसफर करूंगा, लेकिन मैंने इसका बैलेंस आपको दिखा दिया, उसके बाद सबसे पहले वॉलेट का मैं दिखाता हूँ कि वॉलेट में कितना है। तो हम लोग वॉलेट वाले सेक्शन में आएंगे यहाँ पे, और कहीं ना कहीं वॉलेट रहेगा। देखिए वॉलेट है, वॉलेट पे क्लिक करते हैं और वॉलेट में कितना बैलेंस है मेरे पास वो मैं आपको लाइव करके दिखाता हूँ, तब समझ में आएगा। देखिए ऊपर में आपको दिखा रहा है टोटल वॉलेट बैलेंस 0 दिखा रहा है, इसका मतलब जब मैं पेटीएम पोस्टपेड का बैलेंस जो 12,000 रुपया है इसमें ट्रांसफ़र कर दूंगा तो ये 12,000 बन जाएगा और पेटीएम पोस्टपेड 0 हो जाएगा, राइट। तो आपको समझ में आएगा हाँ ये रियल बंदा है, फेक वीडियो नहीं बनाता है। तो ये तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, मैंने आपको बैलेंस दिखा दिया। अब बारी आती है इसको ट्रांसफ़र करने का। पेटीएम पोस्टपेड का जो पैसा है, मतलब जो मेरा 12,000 रुपया है उसको मैं वॉलेट में ट्रांसफ़र करूँगा, तो इसके कितने रास्ते हो सकते हैं, कितने तरीक़े से मैं ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। देखिए कोई ना, इसमें से 3-4 तरीका मैं बताऊँगा, 3-4 तरीका जरूर बताऊँगा, लाइव करके दिखाऊँगा अभी। 3-4 तरीका में से एक ना एक तरीका इसमें ज़रूर काम करेगा, ठीक है। और कैसे काम करेगा या फिर नहीं करेगा वो चीज़ मैं आपको लाइव करके दिखाता हूँ अब सामने। तो एक एक करके स्टेप हम लोग फॉलो करेंगे, वो अलग अलग स्टेप में फॉलो करने के बाद कोई ना कोई एक तरीका में हीट करेगा और वो काम करेगा और मनी ट्रांसफर हो जाएगा वॉलेट में। तो सबसे पहला तरीका होता है अपने पोस्टपेड अकाउंट का जो पैसा है, पोस्टपेड का लोन अमाउंट जो पैसा है वो वॉलेट में ट्रांसफर करने के लिए सबसे पहले हमको वॉलेट में जाना पड़ेगा, ठीक है। पहला तरीका बता रहा हूँ, अगर ये फेल हुआ तो सेकंड तरीका को अपनाएंगे, राइट। पहला तरीका में आए हैं पोस्टपेड अकाउंट के लिए, तो यहाँ बैलेंस में आए हैं, तो यहाँ पर देखिए ऐड करने का ऑप्शन देगा, यहाँ पर नीचे में ऐड मनी टू वॉलेट, ठीक है। यहाँ देखिए ब्लू कलर पट्टी में क्या जो मनी आप चाहते हैं ऐड करना उतना ऐड कर लीजिएगा। तो मैं 12,000 रुपया चाहता हूँ ऐड करना, ठीक है 12,000 ऐड हो गया है। और यहाँ प्रोसीड टू ऐड 12,000 में क्लिक करेंगे, ब्लू कलर का जो पट्टी है इसमें क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे ऐड करने के लिए ऑप्शन देगा ऑटोमेटिकली ऐड या फिर ऐड इतना एक बार, तो एक बार वाला क्लिक करते हैं, यहाँ पर नीचे वाला ऑप्शन करेंगे और ऐड 12,000 में क्लिक करेंगे। अब ये ऑप्शन देगा कि किस अकाउंट से ये पैसा ट्रांसफ़र इसमें होगा, इसमें आना चाहिए पोस्टपेड अकाउंट, अगर नहीं आया तो दिक्कत होगा। यहाँ पे देखिए क्या क्या ऑप्शन आ रहा है पेमेंट का, पेमेंट फीचर में पेटीएम पेमेंट बैंक आ रहा है, कैनरा बैंक आ रहा है, मेरा नया अकाउंट ऐड करने बोला, डेबिट कार्ड आ रहा है, यूपीआई का सब कुछ आ रहा है, लेकिन पेटीएम का जो पोस्टपेड लोन अमाउंट है उसका ऑप्शन ही नहीं आ रहा। अगर उसका ऑप्शन ही नहीं आ रहा तब मैं 12,000 कहाँ से ट्रांसफ़र करूँगा, इसका मतलब पहला तरीका फॉल्स हो गया, रॉन्ग हो गया, गलती हो गया। तो हम लोग इसे कैंसिल कर देंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आपको ये समझ में आ गया
कि ये तरीका जो है रॉन्ग हो गया, फॉल्स हो गया। तो दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि आप अपने जो पैसा है आपका पेटीएम पे, उसमें जो पोस्टपेड अमाउंट है, लोन अमाउंट जो है 12,000 रुपया, वो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले अपने बैंक में ट्रांसफ़र करूँगा, फिर बैंक वाला पैसा मैं क्या करूँगा उसमें ट्रांसफ़र कर दूँगा, वॉलेट में ट्रांसफ़र कर दूँगा, राइट। तो इजीली तरह से हो जाएगा। चलिए तो बकवास नहीं करते हैं, तो हम अपना आते हैं अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। तो सबसे पहले देखिए ऊपर के सबसे राइट साइड कॉर्नर में टू बैंक और सेल्फ अकाउंट है, तो यहाँ पर क्लिक किए, ये मेरे ही अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा। क्लिक, ध्यान से वीडियो को देखिएगा, बहुत डीप समझा रहा हूँ आप लोगों को, एक एक स्टेप फॉलो करना है। सेकंड ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है टू सेल्फ अकाउंट, इसमें क्लिक करेंगे सेकंड ऑप्शन पे, क्लियर। अब यहाँ पे कौन सा अकाउंट में करना है, तो मैं दो अकाउंट है, पेटीएम का खुद का पेमेंट बैंक का अकाउंट भी है प्लस कैनरा बैंक का अकाउंट है, तो हम कैनरा बैंक वाला अकाउंट को क्लिक करते हैं। हम चाहते हैं कि 12,000 रुपया कैनरा बैंक में ढुकवाएंगे, राइट। 12,000 रुपया कैनरा बैंक में ढुकेगा और उसके बाद वो पैसा मैं वॉलेट में ट्रांसफ़र कर लूँगा इजीली। देखते हैं दूसरा तरीका काम करता है कि नहीं। तो यहाँ 12,000 लिखते हैं, 12,000 लिख लिए हैं। अब नीचे देखिए फ्रॉम अकाउंट चुनने बोला, कहाँ से ये पैसा कटेगा, यहाँ क्लिक किए हैं तो यहाँ पर ऑप्शन दे रहा है पेटीएम पेमेंट बैंक का ही ओनली ऑप्शन दे रहा है और कोई ऑप्शन नहीं दे रहा है। इसका मतलब यहाँ से भी ऑप्शन नहीं आ रहा है, कम से कम यहाँ पोस्टपेड का ऑप्शन आता तो यहाँ से मैं पेमेंट करता तो मेरे अकाउंट में घुस जाता, फिर मैं इजीली अपने वॉलेट में ट्रांसफ़र करता, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं दे रहा है, इसका मतलब ये काम नहीं कर रहा है। तीसरा अब रास्ता ये है कि अगर दो रास्ता ख़त्म हो गया, तीसरा रास्ता ये है कि अगर मान लीजिए आपका अगर पेटीएम का बिजनेस अकाउंट है, सपोज़ करिए बिजनेस अकाउंट के लिए ऊपर क्लिक करिएगा, यहाँ पे देखिए बिजनेस अकाउंट क्लिक करेंगे हम लोग अपना, ये मेरा बिजनेस अकाउंट है, ये बिजनेस अकाउंट है, अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये इसको मैंने हालांकि डीएक्टिवेट करके रखा है। अगर आप, अगर तीसरा रास्ता ये है कि अगर आपका बिजनेस अकाउंट नहीं है तो पहले बिजनेस अकाउंट क्रिएट कर लीजिएगा और उसके बाद इसे ट्रांसफ़र करने की कोशिश करिएगा तो चांसेस हो जाएगा, तो नहीं होगा इससे भी, मैंने इसको भी अपनाया है, यूज़ करके देखा है और इससे नहीं होता है, क्लियर। और हालांकि मैंने वैसे भी अपना बिजनेस अकाउंट को डीएक्टिवेट करके रखा है और आप लोगों को बता दूँ कि आप लोग इसका इस्तेमाल मत करिएगा क्योंकि आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। तो अब जो चौथा रास्ता बचा उसमें क्या तरीका है कि आपको किसी को पेमेंट करना होगा, दुकानदार को नॉर्मली, ठीक है। पेमेंट करने के बाद जो पैसा उसके पास आएगा आप उससे मांग लीजिएगा, बोलिएगा कि आप मेरे वॉलेट में ट्रांसफ़र कर दीजिए, ये हो सकता है। लेकिन इसमें दो प्रॉब्लम आएगा, पहला प्रॉब्लम ये कि वो बंदा ऐसा करेगा कि नहीं करेगा कोई गारंटी नहीं है, और दूसरा प्रॉब्लम ये है पता है क्या कि आप चाह के भी उसको पेमेंट करेंगे तो आपके पेटीएम पोस्टपेड अकाउंट से पेमेंट नहीं जाएगा, आपके बैंक अकाउंट या पेटीएम पेमेंट बैंक से जाएगा, पोस्टपेड अकाउंट से नहीं जाएगा। तो आप कन्फ्यूज हो गए हैं कि चारों तरीका काम नहीं किया तब क्या करें, तो मैं आपको एक डिटेल में चीज़ बताऊं कि ये पॉसिबल ही नहीं है, इम्पॉसिबल है कि आपका पोस्टपेड का अकाउंट वॉलेट में ट्रांसफ़र हो जाए या फिर बैंक में ट्रांसफ़र हो जाए, ये इम्पॉसिबल है। क्यों ऐसा है? क्योंकि ये पेटीएम वालों ने ही ऐसा करके रखा है, आप ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते जिससे पेटीएम पोस्टपेड या लोन अमाउंट आपके वॉलेट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या है? इससे कोई सॉल्यूशन नहीं है। अगर यूट्यूब में कोई भी ऐसा वीडियो बनाया कि हाँ पेटीएम पोस्टपेड का पैसा वॉलेट में ट्रांसफ़र करो, पेटीएम पोस्टपेड का पैसा अकाउंट में ट्रांसफ़र करो, तो उसको चप्पल खोल के मारना, क्योंकि ये सब रॉन्ग वीडियो है, फेक वीडियो है। क्यों? क्योंकि पेटीएम का जो मालिक है पहले ही अपडेट दे चुका है कि वो ऐसा नहीं कर सकता, कोई भी पेटीएम जो नहीं कर सकता, तो आप कैसे कर पाएंगे, राइट। हाँ, तो आपके मन में क्वेश्चन जरूर आएगा कि तो फिर इस पेटीएम पोस्टपेड का यूज करने के लिए जो दिया है क्यों दिया है, तो हम इसको कहाँ यूज़ करेंगे, कैसे यूज़ करेंगे, क्या फ़ायदा है इसका? फ़ायदा है, यूज़ करने की जगह है। तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा, देखना है, समझना है। तो सबसे पहले आप पेटीएम पोस्ट वाला सेक्शन में जाना है, या पेटीएम पोस्ट वाला सेक्शन में क्लिक करेंगे, यहाँ आने के बाद अब आपको पता चल जाएगा कि आपको कहाँ पे इसको यूज करना है, इस पैसा को, और कैसे यूज करना है, राइट। यहाँ आने के बाद यहाँ लिखा देखिए वेयर टू यूज, थर्ड ऑप्शन, यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसको काटेंगे हम। यहाँ पे देखिए जो भी चीज़ आपको दिखाई यहाँ पे दे रहा होगा इस सब जगह में, जैसे रिलायंस स्मार्ट मार्ट, डोमिनोज पिज्ज़ा और आइनॉक्स, क्रोमा, डॉक्टर लालपात लैब्स, पीवीआर सिनेमा, सिनेपोलिस, हल्दीराम, ये सब जगह में आप अपने पेटीएम पोस्टपेड का पैसा यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे 3% का एक्स्ट्रा चार्ज भी लगता है, 1 महीना के अंदर आपको चुकाना पड़ता है, हर महीना का 7 तारीख के भीतर आपको चुकाना पड़ेगा, अगर लेट करेंगे तो लेट फीस भी लगता है।
तो इस तरह से यहाँ पे इस्तेमाल आप कर पाएंगे। लेकिन पहले पेटीएम पोस्टपेड का इस्तेमाल बहुत सारी जगहों पे होता था और ज़्यादा उसका वैरायटी भी था, लेकिन अभी कम कर दिया गया है कुछ सिक्योरिटी पर्पज़ की वजह से और कुछ चार्जेस की वजह से भी। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे क्या करना है, क्या नहीं करना है। कोई भी फेक वीडियो पर थंबनेल टाइटल देखे क्लिक नहीं करना है। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करना, चैनल पसंद सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, धन्यवाद।